देखिए, एकादशी के उपवास में केवल जल और फल का सेवन करना चाहिए। जहाँ तक संभव है जल और फल का सेवन करें। किसी भी प्रकार के अनाज के प्रयोग से बचना चाहिए। अगर आप उपवास रखते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप उपवास में जो फलाहारी अनाज भी होते हैं, इस तरह के अनाज का प्रयोग भी ना करें। शामक के चावल ये सब प्रयोग मत करिए। केवल जल और फल का प्रयोग करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।